हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल खाना पकाना। आज की हमारी रेसिपी है वेज दालचा विथ राइस। इसे बनाना बहुत ही इजी है। यहाँ पर हमने बहुत ही कम चीज़ों का यूज़ करके ये रेसिपी रेडी किए हुए हैं। जो हमारे घर में चीज़ें अवेलेबल होती है वही चीज़ों से बनाए हुए हैं। अगर आपके पास कोई गरम मसाले वगैरह नहीं है तो सिर्फ आप एक मसाले यूज़ करके ये रेसिपी रेडी कर सकते हो। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिए और आपकी राय हमारे साथ में ज़रूर शेयर करिए। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पिछले वीडियो में हमने दाल गोश बनाकर बताए हुए हैं और इंस्टेंट दाल गोश भी बताए हुए हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और ऊपर जो आई का बटन है आप उसको प्रेस करके भी उसे चेक कर सकते हो। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने तीन दालें लिए हुए हैं, मसूर की दाल, मूँग की दाल और तुअर की दाल। इन तीन दालों को मिक्स करके हम दो विसल्स ले लेंगे। आप चाहो तो कुकर में भी ले सकते हो या तो फिर कोई बर्तन में ले लीजिए। हम यहाँ पर कुकर में इसके दो विसल्स ले लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक टोपे ले लिए बर्तन, इसमें हम एक चम्मच तेल डाल देते हैं। पहले तेल को थोड़ा सा अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। अभी हम इसमें साजीरा डालेंगे। ये देखिए साजीरा थोड़ा सा ऐसा हो रहा है, तभी हम इसमें गरम मसाला डाल देते हैं। तीन लौंग, तीन काली मिर्ची, एक तेजपत्ता और एक स्टार, और इसे थोड़ा सा हम भून लें। इसे ज़्यादा नहीं भूनना है, बस हल्का सा ही भूनना है। अभी हम जो राइस धो कर रखे हुए हैं ये डाल देते हैं। यहाँ पर हमने एक ग्लास राइस लिए हुए हैं। यहाँ पर जो है ये राइस लिए हुए हमने, ये कोलम के राइस है। अगर आपके पास दूसरे कोई राइस है, बासमती राइस या दूसरे कोई, तो आप वो ले सकते हो। ये देखिए हमने इसे आधे मिनट तक थोड़ा चलाते हुए पका लिए है। अभी हम इसमें पानी डाल देते हैं। यहाँ पर हमने एक ग्लास राइस लिए थे, उस हिसाब से हम इसमें दो ग्लास पानी डाल देंगे। पानी डालकर इसे चला लेंगे। ये देखिए अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और इसे मिक्स कर लेते हैं एक बार और इसे पकने देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर राइस का पानी जो है वो सूख चुका है। अभी हम इसे ढककर दम पर पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अभी हम राइस चेक कर लेते हैं। ये देखिए राइस एकदम परफेक्टली रेडी हो गया है। अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और गैस बंद करने के बाद में आप एक बार इसे चलाते हुए रखिए। ये देखिए, लेकिन हमें स्पून की ये साइड से नहीं, बैक साइड से करना है। इस तरह से करना है ताकि जो राइस है वो टूटे नहीं। ये देखिए इस तरह से एक बार हिलाकर हमें ढककर फिर रख देना है। ये देखिए इस तरह से हल्के हाथों से ही करना है। इसे इस तरह से छोटा छोटा आप करोगे तो ये बाद में बहुत ही अच्छे लगते खाने के लिए, छोटे छोटे राइस। ये देखिए अभी हम इसे ढक देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने कुकर में इसके दो विसल्स ले लिए थे। आप देख सकते हैं दाल किस तरह से हमने बॉईल किए हुए। अभी ये स्मैचर की मदद से हम इसे थोड़ा से इस तरह से स्मैच कर देते हैं। अगर आपको दूसरी कोई दाल पसंद है तो आप वो ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने ये तीन दाल यूज़ करके लिए हैं। लेकिन जो तुअर की दाल थी वो हमने बहुत ही कम, एक ही स्पून लिए हुए है। ये देखिए अच्छी तरह से हो गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने एक बड़ा बर्तन ले लिए है। इसमें हम
दो चम्मच तेल डाल देते हैं। यहाँ पर हमारा स्पून का साइज ये है, इस हिसाब से हमने 2 चम्मच लिए हुए हैं। यहाँ पर हम बिना खड़े मसाले यूज़ किए हुए ये दाल चा बनाएंगे। ये बहुत ही स्पेशल रेसिपी है। इसमें हम प्याज डाल देते हैं। यहाँ पर हमने प्याज को एकदम बारीक कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा चला लेते हैं। यहाँ पर हम इसे थोड़ा कलर चेंज होने तक पकाएंगे। क्योंकि ये बारीक प्याज है तो हम इसे ज़्यादा लाल नहीं करेंगे, नहीं तो उसका जो टेस्ट है वो पूरा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हमने इसे धीमी गैस पर ही पकाए हुए, फास्ट गैस पर नहीं पकाना है ना। थोड़ा सा कलर चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन लिए हुए थे प्याज। इसमें हम 1 हरी मिर्च डाल देते हैं। हरी मिर्च को हमने बीच में से कट किए है और 1 मीडियम साइज़ का टमाटर डाल देंगे। यहाँ पर हम जो दालचा बना रहे हैं वो 1 कप तीनों दाल मिलाकर हुआ है, उस क्वांटिटी के हिसाब से बनाए हुए हैं। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी बनाना है तो फिर आप दाल की जो क्वांटिटी वो बढ़ा सकते हो। और यहाँ पर प्याज टमाटर हर चीज़ की क्वांटिटी आपको डबल लेना है तो आप इजीली बना सकते हो। इसलिए मैंने आपको बताई हो कि आप स्टेप बाय स्टेप किस तरह से बनाइए। बहुत ही इजीली और झटपट बन जाती है ये रेसिपी। यहाँ पर हमने ज़्यादा मसाले नहीं यूज़ किए हैं। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा से टमाटर भी थोड़ा से पक रहा है। अभी हम इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देते हैं। यहाँ पर स्पून का साइज ये है, देख सकते हैं आप। इसे मिक्स कर देते हैं एक बार। ये देखिए जब आप इसे अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के मिक्स करते हो तो ये देखो थोड़ा से तेल छोड़ने लगता है। इस तरह से जब होता है तब हम उसके बाद ही इसमें मसाले ऐड करते हैं। आपको पहले मसाले ऐड नहीं करना है। ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से मसाले छोड़ रहा है। ये देखिए अभी हम इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देते हैं। यहाँ पर हम इसे मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर चूंकि हमने खड़े मसाले यूज नहीं किए हैं तो इसलिए यहाँ पर हमने सुहाना का सुपर गरम मसाला यूज किए। यहाँ पर हम ये 1 टीस्पून डालेंगे। अगर आप खड़े मसाले डालते हो तो आप इसे 1/2 टीस्पून डालिए। अभी हम इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं और थोड़ा हल्का से तेल छूटने तक इसे भून लेंगे अच्छी तरह से। ये देखिए ये कितना अच्छी तरह से इसका तेल छूट रहा है, आप देख सकते हैं। अभी हम इसमें वेजिटेबल्स ऐड करते हैं। यहाँ पर हमने लिए है ग्रीन पीस, हरे मटर, आलू। आलू को हमने इस तरह से मीडियम साइज में कट करके लिए हुए हैं। और यहाँ पर हमने कद्दू लिए, कद्दू का इस तरह से बीच में से निकाल लिए हमने पहले और इसे इस मसाले के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर आप पहले दाल भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने ये इसलिए डाले हैं क्योंकि ये जब मसालों में अच्छी तरह से मिक्स होता है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये देखिए इस तरह से आप ज़रूर इसे मिक्स करके इसे ढक कर आधे मिनट के लिए भाप में थोड़ा से पका लीजिए। जो कि ये मसाले हैं वो सब वेजिटेबल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप दूसरे वेजिटेबल्स पसंद करते हो तो आप वो भी डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर हमने सिर्फ ये 3 आलू, कद्दू और हरा मटर का यूज़ करके ये बनाए हुए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स अभी इसे हम ढक देते हैं और आधे मिनट के लिए हम इसी तरह से इसे थोड़ा भाप में पकने देते हैं ताकि मसाले और वेजिटेबल अच्छी तरह से थोड़े एक हो जाए। ये फ्रेंड्स आधे मिनट बाद हम इसे चेक कर बता देते हैं आपको।
ये देखिए ये कितनी अच्छी तरह से एक हो गया है। एक बार चला लेते हैं इसे। अभी हम इसमें जो दाल बॉईल करके रखे हुए हैं ये डाल देते हैं, कर लेते हैं अच्छे से। पहले हमें इस दाल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, बाद में आप अगर क्वांटिटी के हिसाब से आप पानी डालकर मिक्स कर सकते हो। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है। जब ये पूरी तरह से अच्छा पक जाएगा तो इसका कलर और भी अच्छा दिखेगा। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमने यहाँ पर वेजिटेबल डाले हैं आपको दिखा देते हैं। ये एक होना बहुत ही ज़रूरी है, दाल और मसालों के अंदर मिक्स होना। अगर आप सब एक साथ में ऐड कर दोगे तो इसका टेस्ट नहीं आता है। इसके लिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप बना रहे हैं। ये देखिए अभी हम इसे आधे मिनट के लिए और पका लेते हैं ढककर। ये देखिए फ्रेंड्स, आधा मिनट हो चुका है। अभी हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, थोड़ा से कलर भी चेंज कर दिया है। अभी हम इसमें जो कुकर में दाल बॉईल किए हुए थे उसमें हाफ ग्लास पानी डालकर इसमें ऐड कर देते हैं। इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अभी हम इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं और इसे एक बार मिक्स कर लेते हैं। आप देख सकते हैं ये गाढ़ा हो गया है, दाल और सब हमने मिक्स कर दिए थे। हमने हाफ ग्लास पहले मिक्स करे थे तो अभी हाफ ग्लास हम और मिक्स करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमें कुछ इस तरह का इसका ये रखना है, देख सकते हैं आप। क्योंकि जब ये पकेगा, अभी हम इसे 10 मिनट धीमी गैस पर पकाने वाले हैं ताकि ये जो आलू और ये जो कद्दू है ये अच्छी तरह से गल जाए। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए पहले धीमे गैस पर पका लेते हैं, उसके बाद में चेक करते हैं। ये देखिए अच्छी तरह से बॉईल हो रहा है। आप देख सकते हैं जो ये कद्दू है इसका भी कलर चेंज हो गया है अभी तक, लेकिन पूरा पका नहीं है। और हम इसे 5 मिनट तक धीमे गैस पर पकाएंगे, लेकिन अभी हम इसे ढकेंगे नहीं, खुले इस पर ही पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, 5 मिनट्स हो चुके हैं और ये अच्छी तरह से रेडी भी हो गया है। आप देख सकते हैं ये गाढ़ा भी हो गया है थोड़ा। अभी हम इसमें इमली का पानी डाल देते हैं। इमली का पानी इसमें डालना बहुत ही ज़रूरी है, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। यहाँ पर हमने 1/4 कप इमली का पानी लिए हुए, अगर आप स्पून के हिसाब से देखोगे तो 3 टेबल स्पून्स डालना है इसमें। ये देखिए इसका कलर भी कितना अच्छा दिख रहा है और ये टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा है। आप देख सकते हैं हमने कितनी झटपट आपको बनाकर बताए हैं कि आप वेज दालचा घर पर किस तरह से बना सकते हो, वो भी बहुत ही कम इंग्रेडिएंट के साथ में। चलिए अब ये गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे सर्व करते हैं। ये लीजिए फ्रेंड्स, वेज दाल चा विथ राइस रेडी है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिए और आपके कमेंट हमारे यूट्यूब चैनल खाना पकाना पर ज़रूर भेजिए। और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।